नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ। जो है ये BSTC 2018 के बारे में आज आपको मैं सूचना देने वाला हूँ कि इसकी जो BSTC 2018 की जो सेकेंड लिस्ट है वो जारी कर दी गई। आज करीब अभी 8:30 ये जारी कर दी गई थी। अब मैं आपको इसकी वीडियो बनाकर अब इसमें आपको पूरी में डिटेल बताऊँगा। तो इसमें जो भी विद्यार्थी है वो ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे कोई भी विद्यार्थी वंचित न रहे। इसका बेसब्री से सभी को इंतजार था कि सर सेकेंड काउंसलिंग कब होगी, BSTC की सेकेंड काउंसलिंग कब होगी। तो मित्रों ये जारी कर दी गई है, इसलिए इस वीडियो को अभी के अभी ज़रूर शेयर कर देना। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना BST संबंधित पल पल की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। और अब मैं आपको इसका जो नोटिफिकेशन आया है उसकी मैं आपको इसमें पूरी डिटेल देता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दो, जिससे कि कोई भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहे। अब चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर और आपको इसकी पूरी डिटेल बता। तो दोस्तों ये देखिए, इसका नोटिफिकेशन जो है वो आप देख सकते हो, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय पांचवाड़ा द्वारा ये जारी कर दिया गया है। और इसकी जो डेट है जारी करनी है वो 1 अगस्त 2018 है, और आप इसको ऑनलाइन भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो इसकी जो वेबसाइट है वो आप www.bstcggtu2018.com पे जाके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप इसको चेक कर सकते हो। अब जो ये सूचना जारी हुई है ये हुई है 1/8/2018 को, ये सूचना जारी हुई करीब ये 8:30 ये आया था, और इसका जो क्रमांक नंबर है वो है 948। अब इसमें जो विशेष बात है वो बता देते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा प्रे DED ED सामान्य संस्कृत प्रवेश पूर्व परीक्षा 2018 पाठ्यक्रम हेतु प्रथम काउंसलिंग तथा अपॉइंटमेंट के पश्चात रिक्त रही सीटों पर द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया निम्न कार्यानुसार निर्धारित की जाती है। यानी कि इसमें जो प्रथम काउंसलिंग थी वो भी हो चुकी है, अपॉइंटमेंट था वो भी इसमें हो चुका है, इसके पश्चात ये द्वितीय काउंसलिंग स्टार्ट की हुई है। अब इसमें जो है महाविद्यालय संस्थान चयन है तो ऑनलाइन विकल्प जो बढ़ना है वो आपको बढ़ना है 2/8/2018 से 5/8/2018 तक। तो अब इसमें विशेष बात बता देते हैं, वो आप गौर से सुनेगा। इससे सभी अभ्यर्थी जो कि पूर्व में पंजीकरण शुल्क ₹2000 जमा करवा चुके हैं किंतु विकल्प नहीं भर सके हैं, या पूर्व में विकल्प भर चुके हैं किंतु उन्हें प्रथम चरण में महाविद्यालय संस्थान आवंटित नहीं हो सके है, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय काउंसलिंग समय रिक्त उपलब्ध सीटों के लिए विकल्प भरवाए जा रहे हैं। यानी कि जो इससे वंचित रह गए थे, जिन्हें ₹2000 वो जमा करवा चुके और वो विकल्प नहीं भर सके थे, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा मौका है। तो इस वीडियो को एक बार दोस्तों शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसमें जो एक और विशेषता, पूर्व भरे गए विकल्प अप्रभाव माने जाएंगे, द्वितीय काउंसलिंग के लिए प्रत्यक्ष विकल्प भरना आवश्यक है। जिन्हें प्रथम काउंसलिंग में यानी गलत भर दिया था वो इसमें द्वितीय काउंसलिंग में उसका सही से विकल्प भरे, नहीं तो आप इससे वंचित रह जाओगे और आपको ये भुगतना पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं द्वितीय काउंसलिंग पश्चात आवंटित की सूचना जो आपको देनी है, वो 7/8/2018 को सूचना इसकी दे दी जाएगी। और प्रवेश हेतु शेष राशि जमा करवाना, जो इसकी शेष राशि है वो जमा करवाना 7/8/2018 से 10/8/2018 तक जमा करवानी है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कैसे आपको जमा करानी है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात कर लेते हैं द्वितीय काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय संस्थान में रिपोर्टिंग जो है वो रहेगी इसमें 7/8/2018 से 11/8/2018 तक। और इसमें जो नोट दिया हुआ है, काउंसलिंग संबंधी अन्य नियम शर्तें पूर्वक लागू रहेगी, आगामी निर्देश हेतु नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करें। और अब ये जो डिटेल थी वो मैंने आपको बता दिए, और मैं इसके बारे में जो पूरी डिटेल है वो एक वीडियो बनाकर और दूंगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और सूचना पसंद आई हो तो इसको एक बार लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो रेड वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी दबा लेना, जैसे मैं इस पे वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा,
और बीएचईसी से संबंधित पल पल की जानकारी के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।